हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की पांच ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो टास्क है बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। कौन कौन से ये टिप्स हैं सब आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको पांच ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आपने सैमसंग गैलेक्सी में कुछ भी इमरजेंसी या कुछ क्विकली आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ सबसे पहला जो फीचर है वो है इमरजेंसी कॉल्स का, मतलब कि कभी आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, कहीं आप फंस जाएं जहां पर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो या फिर बोल सकते हैं आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो सिंपली आप यहां पर 5 times यहां पर प्रेस करेंगे और सॉस कॉल यहां पर लग जाएगा। आप देखेंगे सॉस कॉल यहां पर लग चुका है और इमरजेंसी और ये आपको बता भी रहा होगा इमरजेंसी शेयरिंग करके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। 5 times आपको पावर ऑन की दबाना होगी और वो ऑटोमेटिक वर्किंग कर सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी यहाँ पर कॉल कर पाएंगे। तो सबसे पहली टिप्स यही है। उसके बाद बात करें सेकेंड टिप की, जो कि बहुत ही शानदार है, वो है कैमरे से रिलेटेड। तो अगर आप कैमरे में जाने के बाद अगर आप कोई वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सेकंड टिप जो बताने वाला हूँ वो है कैमरे पे, आप चाहे फोटोज़ पे हो चाहे वीडियोज़ पे हो, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है वीडियोज़ या किसी भी चीज़ को, फोटोज़ को हाई एफिशिएंसी वीडियोज़ पे। इस पर क्या होगा, आपकी जो वीडियोज़ है ना वो कम स्पेस खाएंगी और वो बहुत, मतलब उसकी जो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो आपकी स्पेस कम खाएंगी, आपके मोबाइल की स्पेस कम लेगा। चाहे जैसे वीडियोज़ पे ऐसी अगर आप फोटोज़ पे हो तो भी आप उसको ऑन कर दें तो बहुत ही शानदार आपकी फ़ोटोज़ रहेंगी, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बट उसकी जो साइज़ है ना थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं खाएगी। तो सेकंड टिप ये है। उसके बाद बात करें थर्ड टिप्स की, वो है आपके नोटिफिकेशन के अंदर। तो आपको नोटिफिकेशन को ड्रॉप करना है। जब भी आप टॉर्च लाइट लगाते हो तो आप उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखें, टॉर्च लाइट आप ऐसे लगा लेते हैं बट ये कभी ज़्यादा लगती है और कभी कम लगती है। जैसे मान लो आप इसको यहाँ पर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चाहिए कितनी कम चाहिए, तो आप उसको यहाँ पर ऐसे मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड टिप थी। उसके बाद करें दोस्तों फोर्थ टिप की, वो है एक्यूरेसी के ऊपर। मान लो आप कभी किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज या कहीं भी मैसेज कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हो और बार बार कोई गलत हो जाता है तो आप उसको बार बार दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाएँ, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर मोर टाइपिंग में और आपको इन्हांस एक्यूरेसी को ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी और आपके मतलब आप जो लिखेंगे वो गलत नहीं होगा और स्पेस आपका सही जाएगा। तो फोर्थ टिप ये दी गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों फिफ्थ टिप की, जो कि है आपके जो फिफ्थ टिप है वो बहुत काम की। मान लो आपने किसी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ का फोटो खींच के रखा है और बाद में आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं बहुत क्विकली, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये फोटो पे गया, यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर एक टैग डाला, ठीक है, मैंने यहाँ पर टैग डाल दिया इंपॉर्टेंट या IMP लिख दिया, ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब ये मिक्स हो गया है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, मुझे सर्च करना है यार मैंने कौन से फ़ोटोज़ को मैंने वो लिखा था IMP, तो आप यहाँ पर सर्च पे जाएं। सर्च पे जाने के सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है IMP, तो आपकी वो फ़ोटो सामने आ जाएगी, आप देख सकते हैं, आप इजीली इसको फाइंड कर पाएंगे। तो ये फिफ्थ टिप ये दी गई थी दोस्तों। तो यही नए टिप्स दी हैं, जो कि मेरे को उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लेना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।